फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme C63 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को ना एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ऑप्शन टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे साइड ये स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच लिखा हुआ है, क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपके कैच के सामने डेटा ही आपका जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, आपके ना मोबाइल फोन का ये जो कॉलिंग का ऐप है ना, इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से दबा के रखना है, तो आपका ये छोटा सा पेज ओपन होता है। इसमें आपको ऐप इन्फो पे टैप करना है। अब आपका ये ऐप इन्फो के पेज में नीचे स्टोरेज का ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपके कैच के सामने डेटा ही आपका तुरंत जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी आपको लिखना है। नीचे सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन आता है, इसे टैप करना है। अब देखिए, इस पेज में आपको नीचे सिक्योरिटी अपडेट का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको जो इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम ये करना है कि आपको ना अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज आप ओपन करिए। सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ना ये ऑप्शन मिल जाएगा, इरेज ऑल डेटा। इरेज ऑल डेटा पे टैप करना है। इसके अंदर आप इरेज ऑल डेटा पे आप दोबारा टैप करेंगे, तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।